आज नगर में खाद्य विभाग की टीम ने देवश्री फूड्स एंड अमूल दूध डेयरी के नमूने लिए। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही मिठाइयों की दुकान पर मिठाई बनती है। दूध की डेयरी पर मावा पनीर त्योहारों पर अधिक बनाए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तम गुणवत्ता वाला सामान बने, इससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। आज खाद्य विभाग की टीम आशुतोष मिश्रा और विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा देवश्री फूड्स के यहाँ से बादाम शेक मीठे मावे की सैंपलिंग की गई। वहीं बुधवार को सिरसोद चौराहे के पास बने दूध प्लांट राम एस मिल्क चिलिंग सेंटर से दूध के नमूने लिए गए, जिन्हें प्रयोगशाला भेज दिया गया है। उन पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और आप जो आज जो आपने सैंपलिंग की है ये देवश्री आइसक्रीम में, इसमें किस किस चीज के नमूने लिए गए हैं और क्या क्या कार्रवाई की? जी, देवश्री आइसक्रीम से दो नमूने लिए। पहला नमूना बादाम शेक का है और दूसरा नमूना मीठे मावा का है। मावा सेक करके रखा हुआ है आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए, उसका सैंपल लिया गया। सैंपल जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे, तदुपरांत रिपोर्ट के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। और सर, अमूल जो दूध डेयरी मेहथाना वाली पे आपने जो है सैंपलिंग की, कितना सैंपलिंग की उसमें? अमूल का जो सरसौद में प्लांट है, रामेश मिल्क चिलिंग सेंटर के नाम से है, उससे अभी परसों के दिन 13 तारीख को ही लिए गए हैं। उनको भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है और उसके हिसाब से आगामी कार्रवाई की जाएगी।